मुहावरे हम सब ने पढ़े और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल में मुहावरों का अर्थ बदल गया है। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। हाथ पाँव फूलना, समय पर शराब का न मिलना, कलेजा ठंडा होना, एक पैग गले से उतारना, नेकी कर दरिया में डाल, फ्री में दोस्तों को पिलाना, मुहावरों का ये नया अर्थ जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शिक्षा विभाग के होश उड़ गए। आनन फानन में बच्चों को मुहावरे पढ़ाने वाली टीचर को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांग लिया गया। हालांकि आरोपी टीचर की दलील है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। आरोप लगाया गया मेरे पे, बीओ साहब और सुलेखा कुमारी एचएम प्रभारी जो है मेरे पर आरोप लगाई, गलत आरोप लगाई। आरोपी शिक्षक का कहना है कि ब्लैक बोर्ड पर जो मुहावरे और उनके अर्थ लिखे हैं वो उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने लिखे हैं, और उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया गया। जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन साहब ने मुझे ये किए व्हाट्सएप किए ब्लैक बोर्ड का, तो हम तो डर से हड़बड़ी में क्या किए कि उनको क्षमा प्रार्थी हम कहीं भेजे हो, अब वहाँ से आया कि ऐसे ऐसे भेज देने के लिए, हम ऐसे ऐसे भेज दिए। वो बोले डिसमिस कर देंगे, ये कर देंगे, नौकरी से हट जाएगी, अब हम क्या करें, डर से ऐसे लिख दिए। उसके बाद से स्पष्टीकरण आया तो हम शौक रह गए, अरे ये क्या करें। और दोनों पक्षों को तलब किया गया कि उम्मीद है कि जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।